हेलो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, बिग बॉस सीजन 16 के घर के अंदर करण जौहर ने आखिर क्यों निकाले सुंबुल के आंसू। सबके सामने लगा दी सुंबुल की क्लास, सुनकर हो जाएंगे आप भी हैरान। क्या है पूरी खबर, चलिए हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में टेली टॉकीज की। पर अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, बिग बॉस सीजन 16 के घर के अंदर हर बार वीकेंड के वार पर सुंबुल को सपोज ही किया गया है, लेकिन इस बार दिवाली वीकेंड था और करण जौहर को बड़े बड़े पटाखे फोड़ने थे। भाई सलमान नहीं है तो कहीं ना कहीं उसकी कमी को जो पूरा करना है। ऐसे में करण जौहर ने सुंबुल के ऊपर निशाना दागा, क्योंकि करण जौहर एक एक करके हर कंटेस्टेंट की क्लास लगा रहे थे। करण ने सुंबुल से पूछा कि सुंबुल, इस घर के अंदर सबसे ज़्यादा तुमको समझाया जा रहा है, क्या तुम्हें कुछ भी समझ में आ रहा है? क्या तुम्हें पता चल रहा है कि घर के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा? तुम्हें अपने गेम को लगता नहीं कि काफ़ी ज़्यादा और बदलने की ज़रूरत है? ऐसे में सुंबुल ने बोला कि सर, मैंने अपने गेम को काफ़ी बदला है और एक्चुअली फिक्शन और नॉन फिक्शन में बहुत फ़र्क होता है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी रियल, मैं जो हूँ मैं वही हूँ, मैं फिजूल में आर्गूमेंट्स नहीं करती हूँ। और अगर किसी को ये लगता है कि आर्गूमेंट्स करने से शो में हम आगे बढ़ सकते हैं तो दैट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। पर हाँ, अब मैं सही के लिए स्टैंड लेने लगी हूँ। आपने देखा होगा कि जिस तरह से अर्चना के साथ मान्या गलत कर रही थी, तो मैंने अर्चना के लिए स्टैंड लिया क्योंकि अर्चना मुझे अपनी बहन मानती हैं। कहीं ना कहीं लोगों के चेहरे, लोग किस तरह के हैं इस घर के अंदर, हर कोई डिफरेंट है, पर मैं उन सभी को समझने लगी हूँ। जिसके बाद करण ने कहा, सुंबुल तुम यहाँ पर सबसे यंग हो, ये मैं समझ सकता हूँ, पर तुम्हें यंग होने के बावजूद भी इन सबसे अच्छा खेलना है क्योंकि यू हैव टू मेक योर फादर प्राउड। जैसे ही करण ने ये बोला, सुंबुल की आंखें भर आईं क्योंकि करण ऑलरेडी सुंबुल की क्लास लगा चुके थे। ऐसे में करण ने सुंबुल को बोला, अरे अरे मेरी अंजलि रो क्यों पड़ी, और मैं तुम्हें बताऊँ, मेरे को तुमको देख कर सच में काजोल की याद आती है। काजोल भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी व्हेन शी एंटर इन बॉलीवुड इंडस्ट्री। जिसके बाद रोती हुई सुंबुल के चेहरे पर मुस्कुराहट वापस लौट आई। वेल दोस्तों, आप क्या कहेंगे इस पर, हमें कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें।